गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, मुझे डर है ये कि कौमत तेरे नाम तक न पहुंचे। आता हुआ है शाने बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी में रुक गया कि चैंपियन का सलाम तक न पहुंचे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगो इकाई का शपथ एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्कूल के सभागार में शपथ एवं सम्मान समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केराना सांसद प्रदीप चौधरी, राजा प्रणव सिंह चैम, पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री उत्तराखंड, उप जिलाधिकारी नकुड राम्या आर ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में बोलते हुए उत्तराखंड से पहुंचे प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि सभी पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए एवं पीत पत्रकारिता से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा से पत्रकारों का सम्मान करता हूं। पत्रकारों द्वारा गंगो आगमन पर उन्होंने कहा कि मुझे इतनी दूर से बुलाकर सम्मान दिया, मैं इसका हमेशा आभारी रहूंगा। प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि अगर पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा तो उनका कभी भी उत्पीड़न नहीं हो सकता। जब भी कोई पत्रकार अपनी लेखनी एवं अपनी खबरों को एक पक्षीय दिखाएगा या लिखेगा तो तभी उसका उत्पीड़न होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि आप चौथा स्तंभ है, आप अपनी कलम की गरिमा को रखते हुए पत्रकारिता करें। उन्होंने एक बार फिर पत्रकारों को बधाई देते हुए सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। राजा प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने बयान को शेरो शायरी से शुरू किया और शेरो शायरी पर ही खत्म किया। गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, मुझे डर है ये कि कौमत तेरे नाम तक न पहुंचे। आता हुआ है शाने बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी में रुक गया कि चैंपियन का सलाम तक न पहुंचे। सांसद प्रदीप चौधरी ने सभा में बोलते हुए कहा कि पत्रकारों के सम्मान के लिए हमारा हमेशा सहयोग रहेगा और रहा है। पत्रकार दुनिया का वो आईना है जो सबको सच्चाई से रूबरू कराता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सहारनपुर में बरसों से पत्रकारों द्वारा एक प्रेस क्लब भवन की मांग चली आ रही है, जिसके लिए हमेशा प्रयास किया जा रहा है। हमने भी उसमें काफी प्रयास किए हैं और उसमें जो कमियां हैं जल्द ही उसको पूरा कर लिया जाएगा। उपजिलाधिकारी राम्या आर ने कहा है कि मुझे पत्रकारों के बीच आना बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूं कि आप अपनी खबरों को निष्पक्ष रखेंगे तो शासन प्रशासन का भी आपको पूरा सहयोग रहेगा ताकि फरियादी को सही इंसाफ मिल सके। जीपीए प्रशासनिक महामंत्री नवाजिश खान ने कहा है कि सभी पत्रकार बंधु अपनी लेखनी पर ध्यान देकर निष्पक्ष पत्रकारिता करें। गंगो कोतवाली प्रभारी जयसवीर सिंह ने कहा है कि पत्रकार और पुलिस का तो चोली और दामन का साथ रहता है, कोई भी अप्रिय घटना हो तो सबसे पहले पत्रकार पहुंचते हैं, बाद में वहां पर पुलिस को सूचना मिलती है और पहुंचती है। हमारे साथ गंगो के सभी पत्रकारों का अच्छा तालमेल है। इसी कड़ी में जीपीए के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा है कि हमने एकजुट होकर जिले के सभी पत्रकारों के हक के लिए आवाज उठाई है, किसी का भी नाजायज उत्पीड़न ना होने दिया और ना होने देंगे। हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। उन्होंने सभी पत्रकारों को संगठन के आई कार्ड सौंप कर निष्पक्ष पत्रकारिता करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर गंगो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौधरी दिनेश, युवा नेता हमजा मसूद, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रोहित वालिया, रॉबिन सिंह आरएसएस, संजय कमहेड़ा, दानिश सभासद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रजा अब्बास, किसान यूनियन के नेता ब्रजपाल एवं देशपाल सिंह, वसीम सभासद ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जीपीए गंगो ब्लॉक अध्यक्ष अफजल खान ने भी प्रोग्राम में सभी आने वाले अतिथियों को सम्मान पत्र देकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। अध्यक्षता मास्टर सलाहुद्दीन ने की और संचालन इसराइल चौधरी वासिल खान अलिफ ने किया।
इस मौके पर डॉक्टर सुशील मोगा, अरविंद सिंह काका, मास्टर सलाहुद्दीन, दिलशाद राणा, दानिश खान, नौशाद चौधरी, नीरज चौधरी, अमरीश पंडित, खलील अहमद, भूपेंद्र राणा, शादाब मलिक, शराफत मिर्जा, सिकंदर अली, अमिताभ गर्ग, संजय शर्मा, नीटू भारद्वाज, नौशाद अली, वीरेंद्र चौधरी, मुस्तकीम चौधरी, अजहर मियाँ कुद्दूसी, इंतजार शाह, मनोज शर्मा, जिशान खान, अरविंद चौहान, ब्रजपाल सैनी, रोहित राणा, अरविंद कुमार, आजाद खान, ब्रजमोहन, अयूब खान आदि पत्रकार मौजूद रहे। गंगो ब्लॉक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो गंगो ब्लॉक है उसका शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह था। शपथ ग्रहण समारोह का मतलब ये है कि यहाँ पर एक आयोजन किया गया था जिसमें जो हमारे वर्ष 2023 के लिए सदस्यता हुई है उसमें उनका सदस्यता का जो कार्ड था वो उनको दिया गया और साथ में एक शपथ भी उनको दिलवाई गई है कि उस संगठन के प्रति, पत्रकारिता के प्रति, पत्रकारिता के आयामों के प्रति, पत्रकारिता पत्रकारिता के जो मापदंड है उसके प्रति अपना सद्भावना से और बिल्कुल कलम के सिपाही होकर उसके लिए काम करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक आयोजन किया गया, बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। अफजल खान साहब यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के और नवाजिश खान साहब हमारे महामंत्री संगठन हैं। इन सब लोगों के सौजन्य से नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। इसमें गंगो ब्लॉक के साथ साथ नकुड़ ब्लॉक की टीम यहाँ मौजूद रही है, ननौता की टीम यहाँ मौजूद रही है और बेहट तक के भी साथियों ने यहाँ पर शिरकत की है। कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के कैराना के सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी वो यहाँ पर रहे हैं और साथ में उत्तराखंड राज्य सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री कुंवर परणे सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में आए एक आवाज़ बहुत बुलंद होकर उठी है कि जो पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब की स्थापना जनपद स्तर पर होनी है उस मांग को फिर से उठाया गया, जिस पर यहाँ पर सांसद जो हैं हमारे प्रदीप चौधरी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मेरा प्रयास रहेगा कि 2024 के चुनाव से पहले प्रेस क्लब की स्थापना हो। इसमें जिले भर के साथी रहे हैं और बहुत उत्साह से ये कार्यक्रम हुआ है। मेरी सभी साथियों से और भी जो ब्लॉक हैं उनके साथियों से उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेके, गंगो ब्लॉक की इकाई से प्रेरणा लेके सब जगह ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करें जिससे पत्रकार संगठित रहें और इकट्ठे रहें।